उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भारतीय गोरक्षा सेना के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से मोनू ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा भारतीय गोरक्षा सेना, ने कहा कि वीरपुर बरियार उप खरक गाँव में लगभग 500 मीटर की दूरी पर गोकशी की जा रही है। सभी मेरे कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और वहां जाकर देखा तो भारी मात्रा में गोकशी की जा रही थी। वे पशुओं की संख्या लगभग 10 से 15 थी। कार्यकर्ताओं को देखकर कुछ गो तस्कर भागने में कामयाब रहे और मौके पर एक गो तस्कर को पकड़ लिया गया। तभी 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचना दी गई। जो गो तस्कर भागने में कामयाब रहे, वे गो तस्कर दोबारा अपने लगभग 100 साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर मौके पर दोबारा आए और मेरे कार्यकर्ता कुछ समझ पाते इससे पहले हथियार से जान से मारने की नियत से अनाधुन फायरिंग शुरू कर दी आदि विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया है। ये संगठन के खिलाफ अभी मुंडा पांडे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया फर्जी, जो कि खरग वीरपुर बरियार ये मुंडा पांडे थाने में पड़ता है, मावा डिस्ट्रिक्ट है इसका। यहाँ पर अभी 11 तारीख को रात को 1:30 बजे एक गौकशी रोकी थी, गौकशी पकड़ी भी थी, दो गौ तस्कर उसमें पकड़े गए थे। दो गौ तस्करों में पकड़ने में से एक गौ तस्कर उनमें से भागने में कामयाब रहा। उसने गांव में जाकर के अपने गांव में जाकर अपने अन्य 150 साथियों के साथ कम से कम वो आया जंगल में, उसने हबड़तोड़ मचाई। जो दूसरा साथी उनका पकड़ रखा था उसका नाम इकबाल, ये जो ग्राम प्रधान है इरफान, उनके बड़े भाई हैं वीरपुर बरियार उफ खरब के, ठीक है, उनको भी पकड़ रखा था। उनको जब पकड़ा उन्होंने आके जो फायरिंग वायरिंग करते ही निकले थे गांव से वो लोग, उन्होंने गौरक्षा की दोनों गाड़ियां तोड़ी, भारतीय गौरक्षा सेना की दो गाड़ियां थी, एक शिफ्ट रिजायर थी, एक वीरजा थी, उन पर ताबड़तोड़ गोली चलाई। उन्होंने सोचा को गाड़ियों में बैठ गए होंगे या पकड़ लिए हैं तो ले जा रहे होंगे, उसके मुताबिक गोली चलाई। 7 से 8 लड़के हमारे गौरक्षा सेना के थे, कारों में साथ में थे, उन्होंने अपनी जान जैसे तैसे बामुश्किल दो ढाई घंटे जंगल में रहे थे वो। 1:30 बजे 2 बजे की ये घटना है रात्रि 11 तारीख। हमारे कार्यकर्ताओं ने 112 पे सूचना भी दर्ज करा दी थी जब पकड़ा था वो। उसके बाद पुलिस भी आई, पुलिस के आने के बावजूद भी वहाँ पर फायरिंग नहीं रुकी, ऐसा महसूस हुआ वहाँ। मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, इंस्पेक्टर ने फोर्स भी भेजी, बट उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह को जब देखा तो 2 लोगों के नाम दर्ज मुकदमे, 8 अज्ञात उन्होंने खोल रखे थे पुलिस ने। हम लोग ASP साहब को एप्लीकेशन जब कार्यकर्ता देने गए उन्होंने लेने से मना कर दिया। मुकदमे दर्ज किए गए थे किन लोगों के खिलाफ किए? ये वारिस रिजवान नहीं, ये गौरक्षक है, गौरक्षक है, गौरक्षक के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। बिल्कुल जी, तो आप क्या चाहते हैं इसमें? इसमें मुकदमा लिखा जाए, कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुंडा पांडे पुलिस ने कोई कार्रवाई की? नहीं, बिल्कुल नहीं की।